हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, है क्या ठंडियों का मौसम है और ठंडी में गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद होता है, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं गाजर का हलवा बनाने। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाएगा जिसके कारण ये मैंने दूध खोया बनाने के लिए चढ़ा दिया है और ये बन रहा है। तो आप लोग को दिखाते हैं कि जब ये बन जाएगा खोया, उसके बाद जो है हम ये खोया निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे गाजर। तो ये खोया होने वाला है, थोड़ा बन जाए उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि देखें। तब तक के हम खोया बन भी रहा है और ऐसा करते गाजर भी कस लेते हैं साथ साथ में, तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हैं गाजर, इनको हम जा रहे हैं कसने। जैसे ही खोया मेरा तैयार हो जाएगा, तुरंत हम गाजर इसी कढ़ाई में डाल देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है गाजर का हलवा बहुत पसंद है, इसलिए हमने कहा गाजर का हलवा उनको पसंद है तो बना दें। और दोस्तों, जब तक ये गाजर, जब हम खोया निकाल लेंगे तो गाजर इसमें डाल देंगे, वो जब तक पकेंगे तब तक हम ड्राई फ्रूट वगैरह तैयार कर लेंगे। साथ साथ में दोस्तों चला रहे हैं इसलिए ताकि लगने ना पाए, नहीं तो लग जाएगा ना तो उसका स्वाद जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। ये गाजर हमारी तैयार होने वाली है कस करके। दोस्तों, हलवा तो हमें लगता है गाजर का सभी को बहुत पसंद होता है और ज़्यादातर लोगों के यहाँ अक्सर बनता रहता है। दोस्तों, डर भी लगता है कभी कभी, कहीं ऐसा ना हो गाजर के साथ साथ हाथ भी छिल जाए। ये गाजर हमारी हो गई तैयार और हलवा भी और खोया भी तैयार होने के कगार पर है। अब ये थोड़ा घी छोड़ने लगेगा तो तुरंत इसको निकाल देंगे।
लीजिए। खोया तैयारी होने वाला है दोस्तों। ज़्यादा तेज़ आँच इसलिए नहीं कर रहे हैं, अगर तेज़ कर देंगे ना तो फिर लग जाएगा, क्योंकि नीचे लग जाता है तो थोड़ा स्वाद इसका चेंज हो जाता है। खोया हो गया तैयार और अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी जब ये थोड़ा वैसे मतलब ठंडा हो जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। ये दोस्तों मेरा खोया हो गया तैयार और अब हम डाल देंगे इसमें गाजर। ये गाजर है मैंने डाल दी और अब इसको हम ढक देंगे। जब थोड़ा ये पानी छोड़ देगी तब जाके हम इसको चला देंगे और आँच हमेशा धीमी रखेंगे, क्योंकि तेज़ रखने पर नीचे लग सकता है। दोस्तों ये हमने कहा था ना कि मतलब इसको अभी हम चढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा पानी छोड़ देगा गाजर तब जाके इसमें हम चीनी डालेंगे। तो ये इसने पानी छोड़ दिया है, अब हम इसमें चीनी डालने जा रहे हैं। ये देखो इसमें जा रहे हैं चीनी डाल रहे हैं। और मैंने 3 चम्मच चीनी डाली, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता है खाने में। ये हमने 3 चम्मच इसमें चीनी डाल दी और अभी चीनी डालने पर चीनी पिघलती है तो ये अभी थोड़ा और पानी छोड़ेगा। अब हम इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। ये इसको तब अब चल हमें बराबर चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये लग भी सकता है, इसलिए इसको बराबर हम चलाते रहेंगे। देखो बन रहा है ना होटल के जैसे हलवा, बढ़िया जैसे होटलों में बनता है, दुकान पे मिलता है।
ये इसको बराबर हम चलाते रहेंगे। ये और दोस्तों हम जो हलवा बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें तामझाम नहीं रहता, हम उन चीज़ों से मतलब बना लेते हैं इतनी आसानी से कि मतलब जो चीज़ें घर में उपलब्ध रहती हैं, जैसे गाजर भी तो घर में मिल ही जाती है, सब्जी उब्जी के साथ लोग ले लेते हैं जब सब्जी लेने जाते हैं। और जो जैसे दूध है तो उसका भी हलवा बना लेते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम हम डालें। तो ये दोस्तों अब हम इसी के साथ में इसमें खोया भी ऐड कर देंगे। ये हम साथ में खोया भी ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि ऊपर से डालने पे सही से मिलता नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग बनाने के बाद खोया डालते हैं। तो अब इतना हम सजाने के लिए रखेंगे। और खोया डालने के बाद थोड़ा सा हम इसको और ढक देंगे। ये बराबर चलाते रहें क्योंकि खोया डालने के बाद लग भी सकता है, जल्दी लगने लगता है। ये थोड़ा इसका चीनी भी डाली थी और खोया भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी या छोड़ दिया है तो थोड़ा सा और भून लेते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग के पास हो तो इसमें थोड़ा सा घी अगर ऐड कर देंगे तो थोड़ा और टेस्टी हो जाएगा। इस समय मेरे पास घी नहीं उपलब्ध है पर मैंने दूध जो है उसका खोया बनाया, जो फुल क्रीम वाला दूध आता है, दूध का पैकेट आता है, उसी से मैंने खोया बनाया। ये इसको बराबर चलाते रहेंगे। ये अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कुछ इसमें पानी कम हो गया है। ये अब मेरा हलवा बनके हो गया है तैयार दोस्तों। और अब इसमें जो है हम ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो ये ड्राई फ्रूट है, अब इसको हम ऐड करने जा रहे हैं। ये दोस्तों मैंने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसलिए बचा लिया कि जब किसी को दें तो ऊपर भी सजा दें। अब मेरा हलवा बनके हो गया है तैयार। और एक कटोरी लेते हैं,
और ये दोस्तों हलवा हो गया तैयार है ना, कितना बढ़िया टेस्टी और यम्मी। ये देखिए दोस्तों, वाओ कितना बढ़िया हलवा बना है। तो दोस्तों आप लोग भी अपने घर पे बनाइए, और जिसको खाना है हलवा तो आए मेरे चैनल पे, आप लोग को भी हम हलवा खिलाते हैं। फिर दोस्तों हम मिलते हैं आप लोग से अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।